शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज मेरी रानी मेरे राज की दुल्हन की तरह तैयार होकर आनी चाहिए। वो जो लाल साड़ी मैंने तुझे दी थी ना, वही पहनकर आना। हाँ, अब जल्दी से तैयार हो जाओ और आ जाओ, पूजा का समय हो रहा है, जल्दी करो, जल्दी जल्दी। आज पूजा में पति और पत्नी दोनों साथ बैठेंगे, समझी? सीपी में मोती सी, मंदिर में ज्योति सी, चंदन की खुशबू बसी है सांसों में, वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। हिरनी सी चंचल है, तितली सी कोमल है, सोने के पंखों से आकाशों में, वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की।
हेलो रानी, बॉडी मिल गई। मैंने और कोकिला ने पूजा की सारी तैयारी सही की है ना, तू देख ले तो मुझे चैन मिले। बस आज का ये पाठ पूरा होना चाहिए, कोई रुकावट कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और भगवान जी मेरे राज को इसका फल बहुत बहुत अच्छा दे। आप चिंता मत कीजिए माँ, आपकी इस पूजा का फल हमारे राज को जरूर मिलेगा। पर फिर भी बेटा, रानी कहाँ खो गई थी तू? मैं तुझसे बात कर रही हूँ और इसका तो ध्यान ही नहीं है मेरी तरफ, क्या बात है? माँ करण का फोन आया था, ऑफिस में कोई जरूरी काम पड़ गया, जाना पड़ेगा। माँ ऑफिस में काम है? अरे रानी कैसे हो सकता है ये, अभी थोड़ी ही देर में तो अखंड रामायण का पाठ शुरू होने वाला है और तू ही। अगर काम जरूरी नहीं होता तो हम खुद ही ना जाते। बहुत जरूरी है क्या? जी माँ। ठीक है बेटा, अगर इतना ही जरूरी है तो मैं मना भी तो नहीं कर सकती ना, पर एक बात सुन ले, जल्दी जा काम खत्म कर और जल्दी वापस आ जा। जी माँ।
सीता को आग कौन लगाएगा? हम करेंगे। हम इनकी पत्नी हैं, इनकी अर्धांगिनी, तो इनको विदा भी हम ही करेंगे। नाम सिर्फ कागज पर ही देख पाएंगे। आपको देखने के लिए आंखें तरस जाएंगी पर देख नहीं पाएंगे। आपके बिना हमारी जिंदगी बेरंग है। ऐसी बेरंग जिंदगी जिसमें कोई रंग नहीं भर सकता है। हम तो बस अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए जिंदा है। भाभी आप यहाँ हैं। माँ आपको कब से ढूंढ रही है। आपको तो पता है ना कि माँ और पापा का आपके और भैया के बगैर दिन पूरा ही नहीं होता। वो हम राज की दवाई लेने आए थे। चलो चलो। Thank you.
लाश का अंतिम संस्कार करके रानी आ गई है। अब मुझे राज से माफी मांगनी है। मुझे माफ कर देना राज, मेरे दिल में क्या है वो तो तुम सब जानते ही हो। मैं और तो कुछ कर नहीं सकता, बस पापा को फिर से चलता फिरता देखना चाहता हूँ। चाहता हूँ कि वो अपने पैरों पर फिर से खड़े हो जाएं। जो खुशी मैंने उन लोगों से छीनी है वो मैं उन्हें वापस देने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ठीक हूं ना राज? तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना राज? अर्थात मृतक की आत्मा की क्रिया हमें धर्मानुसार करनी चाहिए ताकि मृतक की आत्मा को शांति प्राप्त हो सके, अन्यथा मृतक अशांत होकर के इस भूलोक में भटकता रहता है और स्वर्ग लोक प्राप्त नहीं कर पाता और उनकी अस्थियों के लिए अपनों का आशीर्वाद भी अवश्य दिलाना चाहिए। इसी प्रकार से उसकी आत्मा को शांति होती है। जैसे महाराज भरत जी ने या महाराज दशरथ जी की अंतिम क्रिया की है, तो गोस्वामी जी ने अभी रामायण में आप सबके लिए बताया है। और उनकी अस्थियों के लिए अपनों का आशीर्वाद भी अवश्य दिलाना चाहिए। इसी प्रकार से उसकी आत्मा को शांति होती है, शांति होती है, शांति होती है। इसी प्रकार से उसकी आत्मा को शांति होती है, शांति होती है, शांति होती है। इसी प्रकार से उसकी आत्मा को शांति होती है, शांति होती है। Thank you.